वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके लिए खुशियाँ लेके आए और वैसे ही आज है धनतेरस, तो आप सभी को धनतेरस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी जी भी आपके प्रसन्न हो और हमेशा आपके घर में धन आता रहे। तो मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से मेरी इस पूरी फैमिली को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दीपावली आती है, हम साफ़ सफाई के कामों में व्यस्त हो जाते हैं। हम घर की साफ़ सफाई करते हैं, कलरिंग करते हैं वगैरह। आई होप आज है धनतेरस तो आप सभी की साफ़ सफाई तो हो चुकी होगी। अब बारी आती है घर को डेकोरेट करने की, तो उसी से रिलेटेड आज वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ। आज हम घर को डेकोरेट करने के लिए कैंडल्स, जैसे कि आप सबको पता है दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो आज हम कैंडल बनाने वाले हैं। देन एक मैंने डेकोरेटिव पीस बनाया है, वो भी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आप सभी का तहे दिल से ढेर सारा शुक्रिया कि जो वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि वैक्स कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उस वीडियो को आपने इतना सारा प्यार दिया है कि थैंक यू सो मच। जब हम कुछ करते हैं उसको अगर एप्रिसिएशन मिलता है ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ जाता है। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाइए और जाके देखिए वो वीडियो। इन सब ने उस वीडियो को कितना प्यार दिया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन तीनों में हम कैंडल बनाने वाले हैं। तो ये थोड़ा ये कांच का बाउल है और मैंने सारे ही कांच के लिए हैं। कांच के कोई भी मतलब बाउल हो या ग्लास हो, अगर आप कांच के लेते हो तो उसमें जो कैंडल है इतनी ज्यादा अच्छी दिखती है, स्पेशली जेल कैंडल। इसमें बनाएंगे डबल विक वाली कैंडल, क्योंकि ये थोड़ा इसका जो राउंड है ये बड़ा है, तो इसमें दो विक आराम से आ जाएगी। एक इसमें हम बनाएंगे कलरफुल वाली कैंडल बनाएंगे, एंड इसमें हम बनाएंगे जेल कैंडल। और बट हम थोड़ा मतलब कलर वाला जेल कैंडल बनाएंगे और उसमें थोड़ा उसको थोड़ा डेकोरेटिव बनाएंगे ताकि वो दिखने में काफी अच्छी दिखे। तो ये तीन कैंडल आज हम बनाने वाले हैं। तो पहले हम इसकी विक बना लेते हैं। तो यहाँ विक्स बन के तैयार हो चुके हैं। हमने चार विक्स बनाए क्योंकि एक में हम डबल विक रखने वाले हैं और दूसरे इसमें सिंगल सिंगल एक। यहाँ पे मैंने सोया वैक्स लिया है और उसे मेल्ट करने के लिए भी रख दिया है। वैक्स अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी विक्स है इन्हें वैक्स में डिप कर लेंगे ताकि ये सीधी खड़ी रहे। मुझे इसके कमेंट्स आए थे कि ये विक आपकी सीधी कैसे खड़ी है, तो इसलिए क्योंकि मैं इसे पहले वैक्स में डिप कर लेती हूँ और आपको इसे सीधा रखना होता है तो वो सीधी ही रहेगी। ये देखिए मैंने इसे डिप करने के बाद ऐसे रखा था स्ट्रेट, एंड ये देखिए ये सीधी खड़ी है। अब हम इसे स्टिक कर लेंगे हमारे बाउल में। आप डबल टेप से भी स्टिक कर सकते हैं, मैं यहाँ ग्लू गन से इसे स्टिक कर रही हूँ। ये देखिए मैंने तीनों इसमें विक्स लगा दी है और आप देख रहे हैं अच्छे से खड़ी हुई है विक्स, क्योंकि हमने इसे वैक्स में डिप किया था, तो इसे आपको ऊपर बांधने की फिर जरूरत नहीं गिरती। चलिए यहाँ हमारा सोया वैक्स मेल्ट हो रहा है, जो पहले था वही, लेकिन वो थोड़ा ठंडा हो गया था तो इसलिए मैं फिर से उसे मेल्ट कर रही हूँ। इसमें हम डालेंगे क्रेयॉन इस कलर के। पोर कर देंगे। ये देखिए इसमें हमने पर्पल कलर पोर कर दिया है। अभी हम इसमें मल्टी लेयरिंग कर रहे हैं, बट इसे अभी आपको पहले थोड़ा ठंडा होने देना पड़ेगा, देन हम उसके बाद दूसरा कलर ऊपर से इसमें डालेंगे।
यहाँ पे मैंने अगेन वैक्स मेल्ट होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे येलो कलर, और आपको जो आपने पहले पर्पल कलर डाला था उस पे आपको ये गरम गरम पोर नहीं करना है, वरना वो थोड़ा मेल्ट हो जाएगा। आप इसे पहले थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद पोर कीजिएगा। अब ये रेड कलर डालेंगे। मैंने पर्पल और येलो कलर बनाया था, वैसे ही मैं ये बाकी सारे कलर बना रही हूँ। अब हम बनाएंगे ये डबल विक वाली कैंडल। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये सोया वैक्स मेल्ट होने के लिए रख दिया है। इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं करने वाले हैं, हम ऐसे ही रखने वाले हैं इसे प्लेन, क्योंकि जब सोया वैक्स मेल्ट होता है तो थोड़ा वो ऑफ वाइट या फिर थोड़ा येलोइश कलर में आ जाता है। बट हम इसे फ्रेग्रेंस वाली कैंडल बनाने वाले हैं। मुझे यहाँ पे सैंडलवुड चाहिए था, बट सैंडलवुड इसेंस नहीं है इसमें फ्रेग्रेंस, तो यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ व्हाइट जैस्मिन। तो अब हम इसमें डालेंगे ये व्हाइट जैस्मिन का अरोमा ऑयल। अब हम इसे पोर कर देंगे। अब हम बनाने वाले जेल कैंडल, तो यहाँ पे मैंने जेल लिया है। अब हम इसे मेल्ट कर लेंगे। मेरे पास है ये ड्राइड फ्लावर, ये यहाँ पे डालूंगी। डेकोरेट करने मेरे पास डेकोरेट करने के लिए ये है, ये भी ग्लिटर ही है। इसे हम थोड़ा नीचे डालेंगे इस तरह से। आप विक को एक बार खड़ा कर लेंगे तो वो आराम से खड़ी हो जाएगी। ये देखिए, इसके टॉप पे मैं डालूंगी थोड़ा सिल्वर वाला ग्लिटर एंड थोड़ा ये गोल्डन वाला। ये देखिए अभी कितनी सुंदर बनके तैयार हुई है। तीनों कैंडल बनके रेडी हो चुकी है। तो ये हमारी सोया वैक्स वाली कैंडल आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत दिख रही है। हमने इसे डबल विक में बनाया है। ये देखिए काफी अच्छी और सुंदर बनी है ये। उसके बाद हमने जो सेकेंड कैंडल बनाई थी, जो मल्टी कलर में हमने बनाई है, ये देखिए, तो पर्पल येलो रेड एंड ग्रीन, ये भी काफी अच्छी बनी है। बट हमने इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस ऐड नहीं किए हैं। देखिए आप कितने ब्राइट कलर दिख रही है इसको। ये देखिए, और सबसे खूबसूरत जो कैंडल बनी है, जो मुझे पसंद आई है, वो है हमारी जेल कैंडल। आप सिर्फ कैंडल देखिए, मतलब क्या ही कहना। जो मैंने जो बीच में एक ड्राइड फ्लावर डाला था, उसने तो पूरा लुक दे दिया है कैंडल को। और ये जो रेड ग्लिटर मैंने बीच में डाली थी, काफी काफी सुंदर दिख रही है ये। अब हम इसे जलाएंगे। सेकंड हम जो बना रहे हैं वो है एक डेकोरेटिव पीस। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड सर्कल शेप में कट कर लिया है। अब उस पे हम ये पेपर चिपकाने वाले हैं। पेपर चिपका लेने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसे डेकोरेट करने के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ पत्थर। तो आपको सारे ही पत्थर एक साइज के बिल्कुल नहीं लेने हैं, आपको थोड़े छोटे बड़े पत्थर चाहिए होंगे। उसके बाद आपको चाहिए होगी ग्लू गन, एंड देन उसके बाद आपको ये पत्थर यहाँ पे चिपका लेने हैं। पूरे ही सर्कल पे आपको पत्थर नहीं लगाने हैं, जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे आपको लगाने हैं। उसके बाद आपको इतनी स्पेस छोड़ देनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें दूसरा कुछ लगाना है। उसके बाद मिडल में जितनी स्पेस छूटी है, वहां पे आपको ऐसे गोल गोल करते हुए सारा ग्लू लगाना है। हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि वो एक पानी वाला फीलिंग दे वहां पे, कि वहां पे पानी है, इसलिए हमने ये सब कुछ किया है। उसके बाद आपको चाहिए होगा ये मटका, छोटा बड़ा, बट अगर आप चाहते हो तो आप इसे कलर करके भी यहाँ पे लगा सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे हमें मटके को पहले फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे दो तीन पहले पत्थर लगा लेंगे, और ये पत्थर आपको थोड़े पास पास लगाने होंगे, क्योंकि वो उसके ऊपर हमें मटका फिक्स करना है। देन थोड़ा ग्लू आपको मटके को लगा के उसे फिक्स कर लेना है। बट बैलेंसिंग के लिए आपको दोनों साइड से एक एक पत्थर वहां पे लगाना होगा, ताकि वो गिरे ना। तो
दोनों साइड से आपको सपोर्ट देने के लिए एक एक पत्थर लगा लेना है। एक मैंने इस साइड भी लगा लिया है और दूसरा मैं दूसरे साइड भी लगा लूंगी। इस तरह से अब देखिए ये अच्छे से सिक्योर हो गया है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। एंड देखिए हमारा पीस बन के रेडी है। अब इसका सिर्फ एक एक पार्ट रह गया है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म को अच्छे से पहले क्लीन कर लीजिए और ग्लू गन की मदद से उसे इस तरह से जिगजैग पोजीशन में ऐसे आपको बना लेना है। उसके बाद इसे आपको सूखने देना है। सूखने के बाद आपको इसे थोड़ा थोड़ा करके निकालना होगा, ध्यान रहे ये टूटे ना। इससे हम जैसे वाटरफॉल होता है वैसे यूज करेंगे मटके में डाल के, तो उसके लिए हमें ये चाहिए होगा। ये देखिए कितना इजीली निकल गया है। अब आपको पहले मेजरमेंट ले लेना है, एक आइडिया ले लेनी है कि आपको कैसे लगाना है। उसके बाद आप इसे ग्लू से थोड़ा सा सिक्योर कर ले ताकि बार बार गिरे ना। तो यहाँ पे मैं एक एंड पहले लगा रही हूँ और यहाँ पे मैं दूसरा एंड को भी यहाँ पे लगा दे रही हूँ। एंड ये देखिए हमारा मास्टरपीस बन के रेडी है। और अब इस पे हम रखेंगे कैंडल जो हमने अभी भी बनाई है, सोए कैंडल। कैंडल के साथ ही बहुत अच्छे से दिख रहा है, ये है उसका नाइट व्यू। अगर यहाँ पे आप टी लाइट कैंडल यूज करते हो तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। आपने देखा है इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, बस आपके पास चीजें रेडी होनी चाहिए तो ये जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। अब मैं आपको इसका दोपहर का व्यू भी दिखाती हूँ। तो ये है इसका दोपहर का व्यू, ये तभी भी काफी सुंदर दिख रहा है। बस कैंडल थोड़ी बड़ी हो चुकी है, आप यहाँ पे छोटी कैंडल यूज करेंगे तो ये और ज्यादा अच्छा दिखेगा। अगर आप इसे बिना कैंडल के भी रखते हैं तो भी ये काफी अच्छा दिखता है। आप इसको छोटे साइज में बना सकते हैं, बस आपको मड़का थोड़ा छोटा यूज करना तो पड़ेगा। ये थे हमारे वो दो डेकोरेटिव आइटम, एक था ये डेकोरेटिव पीस और ये 3 कैंडल्स। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, ये तीनों कैंडल्स पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप कहीं मत जाना, मेरे नेक्स्ट वीडियो देखने इस चैनल पर जरूर आना। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।